डियर स्टूडेंट्स मुझे आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी के हवाले से बात करनी है डाइवर्सिटी uh, से मुराद यहाँ लैंग्वेज डायवर्सिटी है सो लैंग्वेज डेवलपमेंट एमॉन्ग चिल्ड्रन इज़ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और डायलेक्ट जो होता है लहजा ये डायवर्सिटी स्पेशलाइज वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज देखें अगर एक ही लैंग्वेज है तो उसमें भी अगर आप देखें उसमें भी आ, कई डायलेक्ट्स हो सकते हैं उसमें भी डायवर्सिटी हो सकती है अगर आप फ़र्ज़ करें हम पाकिस्तान में रहते हैं या आप सुबह पंजाब में रहते हैं तो देखें यहाँ आप लेट्स एड पंजाबी लैंग्वेज है तो आप ये देखें इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में आ, लोगों का लहजा ले, जो है वो डिफरेंट हो जाता है तो ये डायलेक्ट की जो डायवर्सिटी uh, है ये लैंग्वेज की फ्लेक्सिबिलिटी होती है और अब अगर हम यू में देखें तो वहाँ उनके डिफरेंट सूबों में जो इंग्लिश बोली जाती है तो उसमें भी ये है कि जो स्कॉटिश हैं वो बट को बुट पढ़ते हैं और इस तरह यानी जैसे मैंने मिसाल दी है कि जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है वो डायलेक्ट की लैंग्वेज ही हो सकती है और इससे क्या होता है ये डिफरेंट ग्रुप्स में इंटरेक्शन को ज़ाहिर करता है ये डिफ़रेंट ग्रुप्स में इंटरेक्शन की वजह से वजूद में आता है और जब हम वेकेबलरी यूज़ करते हैं हम ग्रामर यूज़ करते हैं तो ये लिमिटेड फंक्शन की वजह से लिमिटेड फंक्शंस की वजह से जैसे अगर हम दो जनरेशन तक अगर एक लैंग्वेज के डायलैक्ट दो जनरेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो क्रॉस कर लें यानी मतलब है एक लैंग्वेज दो उसका जो डायलैक्ट है वो दो लैंग्वेज दो जनरेशन तक चला जाए तो वो जो है वो एक लैंग्वेज बन जाती है और उनमें वो परमानेंस आ जाती है और ये देखें ये अक्रॉस जनरेशन एक्सटेंड होती हैं और जो हर जो आने वाली जनरेशन है वो उसमें कुछ ना कुछ ऐड करती है या उसके जो डायलेक्ट को डिफरेंट करती है तो बेसिकली लेकिन अगर हम इंग्लिश के बारे में प्योर बात करें और यू दुनिया में दो तरह की इंग्लिश जो इस वक्त राइज है एक जो ब्रिटिश इंग्लिश है और एक अमेरिकन इंग्लिश है अब अमेरिकन में जो इंग्लिश अमेरिका में बोली जाती है या उसमें तो उसमें जो उनका बिजनेस लैंग्वेज यानी जो लैंग्वेज उनकी एजुकेशनल सेटिंग्स में या उनकी आम जो उनको आ, आ, बोला जाता है तो उसको स्टैंडर्ड्स इंग्लिश कहा जाता है और वो स्टैंडर्ड डायलेक्ट है उसका जो उसका आ, मतलब और डायलेक्ट से मुराद उसका लहजा है और ये जो डायलेक्ट्स की या लैंग्वेज की डाइवर्सिटी भी है इसमें ये हिस्टोरिकल है और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ग्रो करती रहती है ये ये मूव करती रहती है ये ये डेवलप होती रहती है और जो कल्चर है वो भी इसमें अहम किरदार अदा करता है याद रखें जो लैंग्वेज है वो किसी भी कल्चर का की प्रिज़र्वेशन का और उसको सेव करने का नहायत अहम जरिया है और इसी तरह जो लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है उसका भी बड़ा अहम रोल है और ये कल्चर टू कल्चर फिर वेरी करेगी और उसमें जो एक्सप्रेस होते हैं डिफरेंट कल्चर्स में जो डिफ़रेंट अगर एक ही ज़ुबान को लें तो उसके डायलैक्ट्स जो है वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करते हुए उसमें उनको वो कर देंगे और इस पर भी रिसर्च हो चुकी हैं इस पर भी बात हो चुकी है यानी जो जो लैंग्वेज के बारे में जो इस हवाले से इनके मतलब है हम गुफ्तु कर रहे हैं अब अफ्रीकन अमेरिकन जो है इंग्लिश है डायलेक्ट है उसमें रिचनेस है लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी भी है वो एथेंटिक डायलेक्ट उसको माना जाता है और इस लिहाज से हम जो जो इंग्लिश लिंग्विस्टिक फ्लैक्सीबिलिटी है ये भी हम जो वेरी करती है और जो इसमें लैंग्वेज की वसत में इजाफा करती है और अगर हम किसी लैंग्वेज को सही तौर पे ना डेवलप करें और अगर उसको बेहतर अंदाज में डेवलप ना किया जाए तो फिर तब भी उसमें मतलब है प्रॉब्लम uh, होता है और ये है कि uh, और अगर हम लैंग्वेज फिर ये लैंग्वेज की वीकनेस कहलाएगी कि अगर हम उसको uh, पूर अंदाज में उसको डेवलप uh, करें और डाइवर्सिटी जो है अगर उसको हम बेहतर तौर पर एड्रेस ना करें तो तब भी उसमें प्रॉब्लम्स uh, हो सकते हैं तो जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है ये लैंग्वेज के डिफरेंस की बात कर रही है लैंग्वेज में वैरायटी की बात कर सक कर रही है और डायलेक्ट के फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रही है और तो यह एक नेचुरल बात है और लैंग्वेजेस में पाई जाती है